बड़नगर तहसील के ग्राम मालपुरा में रहने वाली युवती ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए कब्जे के मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप एसडीएम पर लगाया है। अब युवती ने जन सुनवाई में शिकायत करने की बात कही है। मामले में पीड़ित युवती और एसडीएम के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। आइए सबसे पहले सुनते हैं वह ऑडियो। तहसीलदार साहब से मिले आप लोग? हाँ, मैं अभी गई थी तहसीलदार साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने आज फिर से नोटिस जारी किया ने 27 तारीख डालिन बोले सोमवार का दिन लास्ट मौका है उसका कि मैं सोमवार के दिन तक कर दूंगा पक्का। मैं सर ऐसे बात मतलब कोई कितने नोटिस बना लिए तो सर उसका कोई मतलब क्या वापस से नोटिस जारी कर दिया क्या उन्होंने? हाँ ने, फिर उसमें 3 दिन का समय लिखा तो सर ऐसे 3 दिन का समय वो भी किया नहीं। हाँ सर, फिर आप नहीं कर सकते तो सर बता दो फिर। हाँ सर, फिर सोमवार से मंगलवार नहीं होना चाहिए, फिर सर मैं जन सुनवाई भी जाऊंगी, फिर वहीं से वीडियो भी वायरल करवाऊंगी सर। क्या चीज मतलब ये कुछ निराकरण नहीं हो पा रहा है मतलब सर? दरअसल ग्राम मालपुरा की रहने वाली सुनीता ने बताया कि वर्ष 2000 में दादी तुलसीबाई पति स्वर्गीय लक्ष्मण जी के नाम पर जमीन का पट्टा मिला था, जिस पर बालाराम चौधरी और कालू सिंह राजपूत ने अवैध तरीके से पक्के मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। मामले में सुनीता ने पूर्व एसडीएम निधि सिंह को शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने वर्ष 2021-22 में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस बीच उनका तबादला हो गया और नए एसडीएम आकाश सिंह ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सुनीता ने बताया कि एसडीएम आकाश सिंह और तहसीलदार ने कई बार दबंगों को नोटिस जारी किया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में पूर्व में सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी, तब तत्कालीन नायब तहसीलदार योगेश मेश्राम ने मोबाइल लेकर सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत को बंद करवा दिया था लेकिन कार्रवाई नहीं की। इधर अपनी ही जमीन पर कब्जा हटवाने के लिए परेशान हो रही युवती ने अब जन सुनवाई में शिकायत करने की बात कही है। देखना है उसे कब न्याय मिल पाता है। समस्या सर, सन 2000 में मेरी दादी माँ के नाम से पट्टा मिला था। दादी माँ का नाम है तुलसाबाई स्वर्गीय लक्ष्मण जी, जाति बलाई और ग्राम मालपुरा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन। जो निधि सिंह मैडम थी एसडीएम मैडम, उन्होंने 2021-22 में आर्डर किया था वो मकान हटाने का 25/2/2022 को। तो सर उसके बाद को मतलब आकाश सिंह जी आए एसडीएम साहब, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तहसीलदार साहब ने भी नहीं की। और हम आते हैं यहाँ पे कर्मचारी के पास तो वो बोलते हैं कि शिकायत वापस ले लो। ने एक बार तो मिश्रा योगेश मेश्राम जी ने खुद हमारा मोबाइल छीन के उन्होंने अपने हाथ से शिकायत बंद करवा दी कि मैं करूँगा तुम्हारा निराकरण, वो भी चले गए कुछ भी नहीं। कहाँ पे बुलाया था तुम? यहाँ इंगोरिया टप्पा पे बुलाया था सर।